टुडेज टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता को 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि इसे बाकी संस्कृतियों से अलग करता है। हालांकि हड़प्पा पहला स्थल था जिसको खोजा गया था, लेकिन यह ईंट चोरों की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गया। 1875 की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। मैप में देखते हैं धौलावीरा और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी। हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में शाहीवाल जिला पंजाब पाकिस्तान से हुई। मोहनजोदड़ो की खोज आरडी बनर्जी लड़काना जिले सिंध पाकिस्तान से हुई। सिटी को गढ़ पश्चिम और लोअर टाउन पूर्व में विभाजित किया गया था। लाल मिट्टी के बर्तनों को काले रंग में डिजाइन के साथ चित्रित किया गया। स्टोन वेट सील्स स्पेशल बीट कॉपर टूल्स स्टोन आदि तांबा कांस्य चांदी सोना मौजूद है। कृत्रिम रूप से निर्मित मृण पात्र, इसके इमेजेस हम लोग आगे देखेंगे। हस्तशिल्प के लिए विशेषज्ञ कच्चे माल का आयात किया करते थे। ये इमेजेस है हड़प्पाई मृदभांड मृण पात्र हड़प्पाई शिले। यहाँ हाथी पैल का यूज किया गया है। हल का उपयोग किया जाता था। शवों को लकड़ी के ताबूतों में दफन किया गया था, लेकिन बाद के चरणों के दौरान एच समरूपता संस्कृति विकसित हुई, जहां शवों को चित्रित दफन कलशों में दफनाया गया था। गन्ने की खेती नहीं की जाती। घोड़े लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। हड़प्पा पत्थरों की बनी मोहरे रावी नदी के तट पर बाहर की ओर एक गढ़ था। मोहनजोदड़ो ग्रेट पाथ ग्रेट कैनरी डांसिंग गर्ल, इसकी इमेजेस हम लोग आके देखेंगे। कॉटन असेंबली हॉल शब्द का अर्थ है मृतकों का पर्वत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंधु नदी के तट पर माना कि बाढ़ या आक्रमण से विनाश हुआ है, विनाश क्रमिक नहीं था। ये पाषाण मुहर है, ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति है मोहनजोदड़ो से। ये पुरोहित राजा था मोहनजोदड़ो का। आगे कुछ और इमेजेस देखेंगे हम। यह कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के लगभग 57.9 मीटर दूर स्थित है। यहाँ स्नानागार भी दिख रहा है। स्नानागार के पूर्व में निर्मित 6-7 कमरों के मध्य एक कक्ष अंडाकार कुआ है, जिसके पानी स्नानागार से भरा जाता था। चहुदारो सिंधु नदी का तट गोपाल मजुमदार और मैके 1931 में खोजा गया था। पूर्व हड़प्पा संस्कृति झंगर संस्कृति और झुकर संस्कृति। कालीबंगा राजगृह में घग्गर नदी किनारे ए घोष द्वारा खोजा गया 1953 में। घोड़ों के अवशेष, लेकिन घोड़ों का उपयोग नहीं किया करते थे। इसे तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। लोथल लोथल एक डॉकयार्ड था भोगवा नदी के पास गुजरात में। एसआर राव द्वारा खोजा गया था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा पंजाब वाईडी शर्मा द्वारा खोजा गया 1955। इसमें कुत्ता इंसानों के साथ दफन मिला था। ये उसका इमेज मैपिंग है। बनवाली सरस्वती नदी के तट पर जौ की खेती करते थे। व्यास नदी को ही सरस्वती नदी भी कहते थे पहले। धौलावीरा राखीगढ़ी की खोज तक भारत में सबसे बड़ी साइट थी।
खादीर बेट कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। जेपी जोशी रविंद्र सिंह 1990 में खोजा गया। हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर बोर्ड प्राप्त किए गए। लेआउट ऑफ धोलावीरा। सिंधु घाटी का धर्म में पशुपति महादेव की पूजा करते थे। देवी माँ प्रकृति की पूजा किया करते थे। गेंडा कबूतर पीपल का पेड़ आग ताबीज ये सब अवशेष प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया। मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया। हिंदू धार्मिक प्रथाओं में समानता कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। इमेजेस मातृदेव की मूर्ति आदि शिवा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी समाज और संस्कृति। वजन और माप की व्यवस्थित विधि थी। चित्रात्मक लिपि। पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त था। आर्थिक असमानता एक समतावादी समाज नहीं थी। कपड़ा कताई और बुनाई का काम किया करते थे। तीन प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। दफनाते थे, दाह संस्कार और पोस्ट शमशान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की वजह है। सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। कुछ का कहना था कमजोर मानसून के कारण इसका पतन हो सकता है। शहर के जीवन को बनाए रखने के लिए सिंधु घाटी की शक्ति के नुकसान के साथ पर्यावरणीय परिवर्तन इसका कारण हो सकता है। यहाँ संसाधनों की कमी के कारण भी लोग दक्षिण भारत की ओर बढ़ गए होंगे। पतन के अन्य सिद्धांत आर्यनों का आक्रमण। मोर्टिमर व्हीलर ने कहा था टेक्टोनिक फ्लड। रॉबर्ट क्लाइक सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। लैम्ब्रिक ने इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? इसका आंसर है ऋग्वेद। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने घोषणा की सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों की मातृभूमि थी? एसी दास, प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर पेनका, डॉक्टर के शर्मा। इसका आंसर है डॉक्टर एसी दास। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर है नर्मदा। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कौन था? इसका आंसर है ए पूषण। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन है? अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु। इसका आंसर है इंद्र। ऋग्वेद में शब्द वितस्ता निम्नलिखित नदियों में से किसको संदर्भित करता है? सिंधु, व्यास, झेलम, चिनाब। इसका आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अनाज वैदिक युग में उगाया गया था? गेहूं, जौ, मक्का, चावल। इसका आंसर है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? गंगा, झेलम, व्यास, सिंधु। इसका आंसर है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वैदिक देवी को संबोधित है? अदिति, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी। इसका आंसर है सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता निम्नलिखित में से कौन था? अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण। इसका आंसर है
इंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।